हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर की, वो बेमिसाल अभिनेत्री और डांसर जिन्हें हम हमेशा से हेलन समझने की भूल करते आए हैं। अपने 20 साल के करियर में उन्होंने हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं की सैकड़ों फिल्मों में काम किया। एक पारसी परिवार में जन्मी ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर को हम उनके स्क्रीन नेम मधुमती से जानते हैं। साल 2010 में मधुमती जी को 13वें लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उसी सिलसिले में मैंने राजस्थान पत्रिका के लिए जो कि एबी नायर रोड स्थित उनके घर पर उनका इंटरव्यू किया था। उसके बाद भी कभी कभार हमारी फोन पर बातचीत होती रही और फिर साल 2020 में एक बार फिर से बीते हुए दिन के लिए अपडेट्स लेने के मकसद से मैं उनसे उनके घर पर मिला। 30 मई 1941 को ठाणे के एक रईस परिवार में जन्मी मधुमती जी के पिता खान साहब दारा बहराम जी रिपोर्टर एक जज थे तो भाई पीलू रिपोर्टर जाने माने क्रिकेट अंपायर। मधुमती जी ने 7 साल की उम्र से कथक, मणिपुरी और कथकली डांस सीखना शुरू किया और 15 साल की उम्र में उन्होंने ठाणे में अपनी डांस एकेडमी खोल ली। स्टेज शोज के जरिए मधुमती जी का नाम हुआ तो एक रोज डायरेक्टर धीरू भाई देसाई ने फिल्म हरिश्चंद्र में उन्हें डांस का ऑफर दिया। मधुमती जी बताती हैं, मेरे पिता फिल्मों के बिल्कुल खिलाफ थे इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन धीरू भाई देसाई ने हार नहीं मानी। आखिर मेरे पिता को हाँ करनी पड़ी। हरिश्चंद्र साल 1958 में रिलीज हुई थी। आगे चलकर मधुमती जी ने झनक झनक तोरी बाजे पाया लिया, तेरे नैना तलाश करें जिसे, ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मांगी है दुआएं हमने सनम, हुजूरे वाला जो हो इजाजत, आंखों आंखों में किसी से बात हुई, चंपावती तू आजा, जैसे सैकड़ों गीतों पर डांस किया। मधुमती जी कहती हैं, मेरी शक्लो सूरत हेलन से इतनी ज्यादा मिलती जुलती थी कि खासतौर से वेस्टर्न डांसेस में तो दर्शक मुझे पहचान ही नहीं पाते थे और कई लोग तो आज भी मेरे उन डांसेस को हेलन का ही समझते हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में मधुमती जी ने मशहूर डांसर मनोहर दीपक के साथ मिलकर एक डांस ग्रुप बनाया। 35 सदस्यों के इस ग्रुप ने उस दौर में दुनिया के कई देशों में स्टेज शोज किए। मधुमती जी कहती हैं, उन्हीं दिनों मनोहर दीपक की पत्नी गुजरी तो डांस ग्रुप के साथ साथ मुझे उनके 4 छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ी। बच्चे मेरे साथ इतने घुल मिल गए थे कि साल 1965 में अपनी करीबी मित्र अभिनेत्री नरगिस के कहने पर मुझे मनोहर दीपक से शादी कर लेनी पड़ी। मनोहर दीपक यानी मनोहर सिंह कांबोज पटियाला के एक किसान परिवार से थे। उन्हें भांगड़ा का बेहद शौक था। उन्होंने अपने दोनों बड़े भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर एक भांगड़ा ग्रुप बनाया और वो सब मिलकर खेतों में प्रैक्टिस किया करते थे। मनोहर दीपक का भांगड़ा ग्रुप इतना मशहूर हो गया था कि राज कपूर ने फिल्म जागते रहो के सुपरहिट भांगड़ा सॉन्ग ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना भाई कोई ना पर भांगड़ा करने के लिए मनोहर दीपक को खास तौर से मुंबई बुलाया था। इसके बाद नया दौर के ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का पर मनोहर दीपक और उनके पूरे ग्रुप ने भांगड़ा किया। फिल्म नया दौर का गीत संगीत इतना हिट हुआ कि उसके बाद मनोहर दीपक स्टेज शोज और फिल्मों में व्यस्त होते चले गए। मधुमती के एक्टिंग करियर की शुरुआत रणजीत मूवीटोन की साल 1960 की फिल्म जमीन के तारे से हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने डेजी ईरानी की मां का रोल किया था और इसी फिल्म से उन्होंने अपना नाम बदलकर मधुमती रख लिया था। मधुमती जी चंद्रशेखर जी के साथ साल 1966 की चले हैं ससुराल में हीरोइन बनी। 1969 की फिल्म तलाश में वो क्लासिकल डांसर रूपाली थी। 1976 की चरस में अमजद खान की प्रेमिका लैला के नेगेटिव रोल में, तो
1977 की अमर अकबर अंथोनी में तवायफ बिजली बाई के रोल में दिखी। मधुमती जी की आखिरी हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी थी, जिसमें वो गेस्ट अपीयरेंस में थी। साल 1980 में उनकी एक मराठी फिल्म रिलीज हुई, सावली प्रेमाची। इसमें उनके साथ सुनील गावस्कर थे और इस फिल्म की प्रोड्यूसर खुद मधुमती जी ही थी। मधुमती जी की गिनती आज हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ नृत्य और अभिनय के गुरुओं में होती है। पिछले 4 दशकों से वो माय विजन नाम की अपनी डांस एंड एक्टिंग एकेडमी में नए आने वाले कलाकारों को अभिनय और नृत्य के गुर सिखा रही हैं। मधुमती जी कहती हैं, अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू, चंकी पांडे और अमृता सिंह जैसे मेरे कई शिष्य फिल्मों में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। मधुमती जी की छोटी बहन रुखसाना रिपोर्टर भी एक अभिनेत्री और डांसर है, जिन्होंने बूंद जो बन गई मोती, तीन बहुरानियां, रातों का राजा और चौकीदार जैसी कुछ फिल्मों में वैशाली के नाम से काम किया था। वैशाली आज ठाणे शहर में अपनी डांस एंड एक्टिंग एकेडमी चला रही हैं। मधुमती जी कहती हैं, मैंने मनोहर दीपक के बच्चों को मां बनकर पाला, दोनों बेटियों की शादी की, बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, लेकिन छोटा बेटा अपनी मां की ही तरह दिल की बीमारी से पीड़ित था। साल 2006 में अचानक ही वो गुजर गया। बेटे की मौत के सदमे से मनोहर दीपक उबर नहीं पाए और एक महीने बाद 31 अक्टूबर 2006 को उनका भी निधन हो गया। पति के निधन और बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद मधुमती जी ने खुद को पूरी तरह एकेडमी के प्रति समर्पित कर दिया। बहुत जल्द 81 साल की होने जा रही मधुमती जी कहती हैं, अब तो बस यही तमन्ना है कि आखिरी सांस तक इंडस्ट्री में आने वाले नए बच्चों को सिखाती रहूं। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर की जानी मानी डांसर और अभिनेत्री मधुमती की। मधुमती जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में, डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।